बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। एम शहान फूड क्लब में आज मैं बनाऊंगी भुनी हुई दाल चना। तो चले आएँ, स्टार्ट करते हैं। दाल बनाने के लिए मुझे एक कटी हुई प्याज चाहिए, दो टमाटर आप कट कर लें या इनका पेस्ट बना लें, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक को अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 पाव दाल चना। इसको मैंने भिगो के रख लिया है। तो चले आए, सबसे पहले दाल को बॉईल कर लेते हैं। दाल में पानी डालकर मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब ये बॉईल हो जाएगी तो फिर हम अपने फर्दर मसाले की तरफ चलेंगे। दाल बॉईल हो चुकी है, अब मसाले की तरफ चलते हैं। बर्तन में 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड कर देते हैं। इसमें प्याज ऐड करके फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें लहसुन डालकर उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। लहसुन फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें बाकी मसाले ऐड कर देते हैं, अदरक पेस्ट, टमाटर ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और हल्दी। इन सबको मिक्स करके मसाले को अच्छी तरह भून लेते हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें दाल ऐड कर देते हैं। दाल को मैंने मसाले में मिक्स कर ली है, अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं और कवर करके रख देते हैं। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, दाल को मैंने थोड़ा सा भून लिया था, अब इसको अच्छी तरह से पकने देते हैं। इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए व्यूअर्स, भुनी हुई दाल चना रेडी हो चुकी है, अब धनिया ऐड कर देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक भी जरूर दें। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।